पीआरबी स्टडी पॉइंट इस यूट्यूब चैनल पे आपको इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन और स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन इन दोनों सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उन सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अभी इलेक्ट्रिकल मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर एंड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाना चालू है। इन दोनों सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट के वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आप नए वीडियोस देखना चाहते हैं, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। चैनल पे आने वाले नए वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल ए ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए। हेलो एवरीवन, माय नेम इज विजयश्री एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफार्मर। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल के बारे में पढ़ा था, तो इस ट्यूटोरियल में हमें पढ़ना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बारे में। सो व्हाट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? सो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर कम्स अंडर अ मैग्नेटिक फील्ड, देयर विल बी अ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। क्या होता है, जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब आता है, तब क्या होता है, एक तरीके का फोर्स उस पर एक्ट होता है कंडक्टर पे। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स कैन बी फाउंड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है ये हमें लेफ्ट हैंड रूल से पता चल सकती है। सो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज मेनली एप्लीकेबल टू द मोटर्स एंड फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल इज मेनली एप्लीकेबल टू इलेक्ट्रिक जनरेटर्स। अब ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, मोटर के लिए, और जो राइट हैंड रूल था वो जनरेटर के लिए एप्लीकेबल था। तो ये जो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये हमें मोटर के काम आने वाला है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। सो व्हाट इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? इट इज फाउंड दैट व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोला गया है कि ये तो हमें पता है कि जब भी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में हम रखते हैं तो उस पर फोर्स एक्ट होता है, पर इन अ डायरेक्शन टू बोथ द डायरेक्शंस, इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू बोथ द डायरेक्शन, इन अ डायरेक्शन जो कि परपेंडिकुलर है दोनों डायरेक्शन से ऑफ द करंट एंड द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के जो है डायरेक्शन से परपेंडिकुलर है, इस तरीके से जो फोर्स एक्ट होता है उसकी डायरेक्शन हमें इससे पता चलती है। तो मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। तो ये जो स्क्रीन पे आपको फिगर दिख रहा है ये शो कर रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे अप्लाई करना है। दो मैग्नेट्स यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में रखे गए हैं, इसके बीच में करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो ये है डायरेक्शन करंट की और ये है डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ये है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। और फिर अबाउट डायरेक्शन में जो है दिखाया जा रहा है, सॉरी अपर डायरेक्शन में जो है अपवर्ड्स जो जाता हुआ दिख रहा है, ये है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर हमारा लेफ्ट हैंड रूल इस तरीके से प्लेस करें कि जो तीनों उंगलियां है वो इस तरीके से दिख रही है आपको, एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रही है और तीसरी करंट का डायरेक्शन शो कर रही है। तो ये जो है लेफ्ट हैंड हमारा, इससे हमें फिर डायरेक्शन जो होती है फोर्स की जो कि अप्लाई होता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, उस वो जो है उसके बारे में पता चलता है। करंट की डायरेक्शन है हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, फिर उसके बाद डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो है पता चल जाता है हमें। तो क्या करना है, ये जो इन द फिगर बिलो आपको पता है ये पोर्शन जो है कंडक्टर का लेंथ L इज प्लेस्ड वर्टिकली इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ स्ट्रेंथ H, सो प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेटिक पोल्स N एंड S। इफ द करंट I इज फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज, यहाँ पे फॉर्मूला बताया गया है किसका, फोर्स का, दैट इज F B I L। ये जो L है ये है लेंथ जो कि शो कर रही है कंडक्टर की लेंथ, जो भी कंडक्टर का इतना जितना भी पोर्शन है उसका लेंथ बता रही है ये। देन H इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, H प्रोड्यूस्ड बाय टू मैग्नेटिक फोल्ड पोल्स N एंड S। और उसके बाद ये जो करंट है I,
इज फ्लोइंग थ्रू दिस करंट कंडक्टर, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज एफ बी आई एल. सो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये इस तरीके से फ्लो हो रही है, फोर्स जो है हमारा इस अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है, और करंट जो है इस तरीके से आते हुए दिख रहा है. सो होल्ड आउट योर लेफ्ट हैंड विद द फोर फिंगर, सेकेंड फिंगर एंड थंब एट द राइट एंगल टू द वन अनादर. इफ द फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, द सेकेंड फिंगर रिप्रेजेंट्स दैट ऑफ द करंट. अगर हमारे फोर फिंगर ये जो है मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन करी है, मतलब हमारी जो सेकेंड फिंगर है यानी कि जो मिडिल फिंगर है वो क्या शो करेगी, करंट की डायरेक्शन, और जो बचा हुआ हमारा थंब है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ दिख रहा है ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर. सो व्हाइल करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर वन मैग्नेटिक फील्ड इज इंड्यूस्ड अराउंड इट. द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी इमेजिन बाई कंसिडरिंग नंबर्स ऑफ क्लोज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स अराउंड द कंडक्टर. ये जो करंट है फ्लो हो रहा है कंडक्टर में से, तो जब ये करंट हमारे कंडक्टर में से फ्लो होता है तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो उसके अराउंड जो है इंड्यूस होती है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड हम नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स से जो है, मैग्नेट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स से जो है इमेजिन कर सकते हैं. द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन बी डिटरमाइंड ऑफ मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल और राइट हैंड ग्रिप रूल. तो इससे हम जो है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हैं. एज पर दीज रूल्स जो करंट की डायरेक्शन है, द डायरेक्शन सॉरी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स और फ्लक्स लाइन्स इज क्लॉकवाइज. क्या होती है डायरेक्शन जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, किसकी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की. विच इफ द करंट इज फ्लोविंग अवे फ्रॉम द व्यूअर, अगर हमारा व्यूअर से जो है, व्यूअर जो भी देखने वाला है उससे अगर करंट की डायरेक्शन अलग जाते हुए दिख रही है यानी दूर जाते हुए दिख रही है, दैट इज इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज इनवर्ड. तो क्या होता है कि तो यहाँ पे ये क्लियर किया गया है कि जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये क्लॉकवाइज होंगे अगर हमारा जो करंट है वो हमें हमसे हम अगर देख रहे हैं तो हमसे दूर जाता हुआ दिख रहा है. दैट इज इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टर है, जो करंट थ्रू द कंडक्टर है ये इनवर्ड है फ्रॉम द रेफरेंस, रेफरेंस से इनवर्ड डायरेक्शन में आते हुए दिख रहा है अगर फिगर को एनालाइज करें तो. सो इफ द हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड एक्सटर्नली टू द कंडक्टर, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड जो है हमने अगर सपोज कंडक्टर को एक्सटर्नली अप्लाई कर दी, सो दिस टू मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होंगी, दैट इज फील्ड अराउंड द कंडक्टर यानी कि कंडक्टर के अराउंड की जो फील्ड है वो, और एंड जो एक्सटर्नली हमने अभी हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नली जो अप्लाई की है वो फील्ड वो क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ. सो वी ऑब्जर्व इन द पिक्चर दैट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आर फ्रॉम एन टू एस पोल, दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब इसका मतलब क्या है, ये जो हॉरिजॉन्टली हमने एक्सटर्नली अप्लाई की है, जो एक्सटर्नली हमने मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई की है उसकी डायरेक्शन कैसे जा रही है, ऐसे ऐसे, और ये जो करंट के कंडक्टर है हमारा इसके अराउंड जो हमने जो हमारी ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे इसके अराउंड ऐसे जाती हुई दिख रही है, जैसे कि कोई इसके सर्कल बना रही हो कंडक्टर के अराउंड, ये किसी तरीके का सर्कल फॉर्म कर रही हो, और एन टू एस पोल जो हमारी ट्रैवल कर रही है ये मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये है हमारी एक्सटर्नल फील्ड जो कि जा रही है इस डिरेक्शन में. तो इससे क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन मैग्नेटिक लाइन्स का वो बढ़ जाता है ऑफ द फोर्स इन अ स्मॉल स्पेस, छोटी सी जगह में जो है कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ जाता है. सो एज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नो लॉन्गर स्ट्रेट लाइन्स, दे आर अंडर टेंशन लाइक स्ट्रेच रबर हैंड, स्ट्रेच रबर बैंड. तो इसी वजह से जो है ये जो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये किसी भी तरीके से स्ट्रेट नहीं रह पाती है. तो इसका रिजल्ट क्या होता है, देयर विल बी अ फोर्स विच विल टेंड टू मूव द कंडक्टर फ्रॉम
द मोर कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड टू लेस कॉन्सेंट्रेटेड मैग्नेटिक फील्ड, और इसी वजह से दैट इज फ्रॉम द प्रेजेंट पोजिशन टू डाउनवर्ड पोजिशन। तो ये जो होता है हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी भी तरीके से स्ट्रेट नहीं रह पाती, इसलिए हमारा जो कंडक्टर है उस वो क्या होता है, मूव होता है। नाउ इफ यू ऑब्जर्व द डायरेक्शन ऑफ द करंट, अब हम क्या करते हैं करंट के डायरेक्शन को अगर ऑब्जर्व करें, सो द फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड इन द अबव एक्सप्लेनेशन यू विल फाइंड दैट द डायरेक्शंस आर अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अगर इस कंडीशन में हम अगर देखें हमारे करंट की डायरेक्शन, तो हमें पता चलेगा जो फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड है जो कि हमें अभी अभी अब हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, तो हमें मिलेगा कि जो डायरेक्शंस है वो बिल्कुल फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से है। तो यह है हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम निकाल के समझाया है, यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा है, बस यहाँ पे डायरेक्शंस आपको समझाई है और फॉर्मूला बताया है। तो ये था हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हमें पढ़ना है बैक ईएमएफ और उसके सिग्निफिकेंसेस के बारे में। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।